हेलो फ्रेंड्स, अगर सामने कोई इस तरीके से चिप्स की टोकनी ला के रख दे और वो भी कुरकुरे मसालेदार चिप्स, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। और वो भी एक बार बनाओ और पूरे साल यूज़ करो तो किसे और भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार सिर्फ आपको अपना वक्त देना है और उसके लिए पूरा साल भर के रख देना है। तो यही चिप्स आज हम बना रहे हैं अपने किचन में, तो चलिए बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु राव और आज हम बना रहे हैं आलू के चिप्स। तो यहाँ चिप्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 किलो आलू और उसका हमने जो छिलका है उसे छील लिया है और उसे पानी में हमने रख दिया है। और पानी में मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया था और एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें भी भर दिया है पानी। अब उस पानी के अंदर हम डालेंगे फिटकरी। तो इस फिटकरी को हम पानी के अंदर घोल रहे हैं। पानी के अंदर घोलने से जब भी हम चिप्स बनाएंगे तो वो काले नहीं पड़ेंगे और पूरे साल बिल्कुल वाइट से रहेंगे। तो ये है फिटकरी जिसे हम पानी में घोल रहे थे। तो आज मेरा छोटा बेटा भी मेरा साथ दे रहा है इसमें। तो जब भी हम चिप्स बनाएं, तो जब भी आप चिप्स बनाएं तो उसमें ज़रूर और ज़रूर फिटकरी डालें। और यह लिया है मैंने चिप्स बनाने का साँचा। तो ये साँचा एक साइड से प्लेन है और एक साइड से डिज़ाइन वाला है। तो आज हम डिज़ाइन वाले नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे प्लेन चिप्स। तो चिप्स बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही जो छीला हुआ आलू है वो लिया है और उसका जो लास्ट दो एंड्स होते हैं हम वहाँ से बनाने के लिए शुरुआत करेंगे। और जब भी करने आपको आलू में कहीं दाग दिखता है तो वो दाग ज़रूर हटाइएगा, क्योंकि हम पूरे साल के लिए इसे स्टोर करके रख रहे हैं और अगर हम इस तरीके से दाग वाले बनाएंगे तो वो दाग उसमें फैल जाता है और चिप्स लाल से पड़ जाते हैं, इसलिए उसकी इम्प्योरिटीज़ ज़रूर हटा दीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने चिप्स बनाना शुरुआत किए हैं तो हमारे छोटे से राउंड आ गए हैं और बिल्कुल मीडियम साइज़ के, हमने बहुत पतले भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं इस तरीके से चिप्स बनाए हैं, क्योंकि जब ये सूख जाते हैं तो ये वैसे भी पतले हो जाते हैं। तो हम पूरे चिप्स इसी तरीके से बना लेंगे। और जब आप चिप्स बनाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, चिप्स हम किसी खाली बर्तन में नहीं बनाना है, उसे हम पानी में ही इस तरीके से जब छीलेंगे तो डायरेक्टली पानी के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही उसमें फिटकरी घोल के रखी थी। तो इसी तरीके से हम चिप्स बना लेंगे। और जब लास्ट का एंड बचता है तो हम हाथ का जो हमारा पाम होता है हम उस पाम की मदद से उसे छीलेंगे, ताकि हमारी उंगलियां जो है वो ब्लेड में नहीं लगेगी और जो लास्ट का पोर्शन बचता है उसे हम हटा देंगे। जब ये इस तरीके से छोटा टुकड़ा हो जाएगा तो उसे हम किसी और बर्तन में रखेंगे जिसमें पानी हो। तो हमारे चिप्स बन के रेडी हैं, आप देख सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारा उसका जो स्टार्च है वो भी जमा हो गया है। तो हम इसे अलग नल के नीचे 1 से 2 पानी से साफ़ कर लेंगे, ताकि जितना भी इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो हमने इसे और अच्छे पानी से धो लिया है और उसे वापस पानी के अंदर भर के रख दिया है और उसमें रख दिया है फिटकरी। फिटकरी को हम करीब करीब 1 से 2 मिनट तक उसी में रख देना है और डाल देंगे नमक और नमक को भी उसमें घोल लेंगे। नमक घोलने से जो हमारा चिप्स है उसमें एक कुरकुरा सा पन आ जाता है और ओवरनाइट रखेंगे तो उसे हम क्रिस्प होना चाहिए और पूरा पानी भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम ओवरनाइट रखेंगे तो चिप्स थोड़े से फूलते हैं और वो ऊपर आते हैं। और दूसरे दिन हम मॉर्निंग में एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसे रख देंगे गैस पे और पानी को गर्म होने देंगे। तो पानी जैसे ही हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाता है तो उसमें डाल देंगे हम फिटकरी। फिटकरी से हमारे जो चिप्स हैं वो काले नहीं होंगे और बिल्कुल वाइट से रहेंगे। और डाल देंगे साथ में नमक। नमक से उसे एक टेस्ट मिलता है, कुरकुरापन मिलता है, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो एक बार सभी जो फिटकरी और नमक है उसे एक बार अच्छे से घोल लिया और ढाक देंगे, ताकि ढाकने से पानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और ऊपर एक झाग सा दिख रहा है, ये झाग आया है हमने जो फिटकरी डाली थी। फिटकरी जो पानी के अंदर की इम्प्योरिटीज रहती हैं उसे हटा देती हैं और ये झाग के रूप में ऊपर आया है। तो हमने एक चाय की छन्नी है, स्टील की चाय की छन्नी ली है, और उसका जो झाग है वो पूरा निकाल लेंगे। तो यहाँ झाग हमने हटा दिया है और एक टोकनी की मदद से हमने दूसरे जो पानी में हमने चिप्स रखे थे वो निकाल लिए हैं।
ताकि जो ठंडा पानी है वो पूरा निकल जाए। और हमने चिप्स को गर्म पानी में डाल दिया है और इसे जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो लगभग 1 मिनट के करीब इसे यूं ही पानी में उबलने देना है ताकि जो चिप्स है वो नीचे से अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं मैंने अभी इसे पलटाया नहीं है। जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे हम इसे वापस जो चिप्स हैं उसे पलटाएंगे, तो जो नीचे के चिप्स हैं उसको ऊपर की ओर कर लेंगे और जो ऊपर के हैं उन्हें नीचे की ओर कर लेंगे, ताकि जो नीचे जो चिप्स पक चुके हैं या आधे आधे पके हैं वो थोड़ा सा और भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इसलिए ऊपर नीचे से आप करते रहना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, एक बड़ा सा कोई चीज़ लेना है जिसकी मदद से इसे ऊपर नीचे करना है। तो अभी ये थोड़े पकने के बाकी हैं तो हम इसी तरीके से ऊपर नीचे इसे करते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए। तो एक चिप्स को हम ट्राई करके देखेंगे, तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अभी इसे हम एक टोकनी में निकालेंगे ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए, और उसी पानी में हमने बाकी के बचे हुए जो चिप्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से बॉईल कर लेंगे। तो मैंने इसे निकाल लिया है एक टोकनी में ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए, और इसे हम छत के ऊपर पूरे बिछा दिए हैं। और इसी तरीके से कपड़े के ऊपर बिछा देना है, और जब ये पूरे अच्छे से सूख जाएगी तो एक कंटेनर में भर के रखना है और पूरे साल के लिए इसे यूज़ करना है। तो आपको ये बनाने का तरीका कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।